जिसके हम पीवीएस से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2018 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए हम आपके क्वेश्चन लिख दिए, इफ एन इंटीग्रल इज कॉम्प्यूटेड यूजिंग साइमन्स 3-8 रूल डिवाइडिंग द रेंज इनटू 3 इक्वल पार्ट देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो हमारे पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है, यहाँ पे चार वैल्यू है और जो रेंज है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो देखते हम, तो देखिए जो रेंज है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए हमें पहले निकालना है जो डिवाइड, अभी देखिए जैसे ये हो गया रेंज हो गया, ठीक है, रेंज यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे हाफ, हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, हमें पता करना है जो यूनिट है वो सबका क्या होगा, ठीक है, तो हम वो निकाल लेंगे। तो देखिए यूनिट हमारा निकल गया 1/6, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स है साइन पाई एक्स, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है। अभी देखिए हम एक्स निकालेंगे, एक्स और एफ एक्स के रिस्पेक्ट में टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे टेबल फॉर्मेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग यूनिट से स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, जीरो से, तो जीरो, ठीक है, जीरो साइन जीरो का वैल्यू क्या है, साइन जीरो का वैल्यू है जीरो, ठीक है। तो ये हो गया वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका देखिए हम यहाँ से 1/6 प्लस किए 1 से, तो हमें क्या मिला 1/6 मिला, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है 1/6। तो वाई वन का वैल्यू देखते हैं, साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू क्या है, पाई बाई सिक्स का वैल्यू है हाफ, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1/6 से हम प्लस 1/6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2/6 मिलेगा। तो देखिए साइन 2/6 का वैल्यू क्या होता है, वाई टू इक्वल टू होगा √3/2, ठीक है। अब देखिए अगर 2/6 हम दोबारा 1/6 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए y/3 इक्वल टू साइन पाई बाई टू इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें यहाँ पे कहा गया सिम्पसन 3-8 रूल यूज करने के लिए, तो पहले हम यहाँ पे सिम्पसन 3-8 रूल आपके लिए हम लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिम्पसन 3-8 रूल लिख दिया है। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, अगर इसके ऊपर आपको मतलब ये समझना है तो इसके ऊपर हम अलग वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि अगर आपको इसके ऊपर कोई अलग वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, अभी देखिए 3/8 इंटू एच, एच का क्या है 1/6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6। अभी देखिए वाई नॉट, यहाँ पे वाई नॉट का वैल्यू क्या है, वाई नॉट वैल्यू जीरो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाई थ्री जो है वही वाई एन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है थ्री का कोई कोफिशियंट नहीं है, तो यहाँ पे टू से कुछ नहीं, कुछ भी मतलब ये जो टर्म है वो नहीं आएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और 2 है, वाई वन और वाई टू है, तो इसमें हम बैठा देंगे। तो देखिए अभी हम आपके लिए कैलकुलेट कर देंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे 3/8 इंटू 1/6 था, तो यहाँ पे हम करेंगे 1/16 मिलेगा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5+3 √3 / 32, जो कि आंसर है बी, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर बी मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया और वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई क्वेश्चन आईएसएस के कोई क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दे, आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक पे तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।